क्या प्लान लेके चलेंगे? आदम भाई ने कुछ शेयर कर दिया अपना, अब आपका क्या माइंड में होगा वो बताइए। आई थिंक जैसे हमारी टीम है, जिस तरह हम श्रीलंका में खेले हैं तो हमारी टीम काफ़ी अच्छी है और कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो साउथ अफ्रीका में भी यही है कि बाउंसी ट्रैक्स तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन यह है कि अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका से भी विन करेंगे। रॉयल कितने खिलाड़ी ऐसे जो फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका खेलेंगे? मेरे ख्याल सारे ही होंगे। तो बाउंसी विकेटों पे बैटिंग की, उसकी बॉलिंग की प्रैक्टिस आपने कहाँ की और कितने इम्प्रूव हुई है? देखिए, जिस तरह NCA में काफ़ी विकेट्स होती है जिनपे स्पिन भी होता है और बाउंसी ट्रैक भी होते हैं, और स्पेशली मैं इस्लामाबाद में, और जो इस्लामाबाद पिंडी के लड़के हैं वो भी बाउंसी ट्रैक्स पे खेलते रहते हैं क्योंकि इस्लामाबाद और पिंडी में बाउंसी विकेट्स होती हैं। तो बाकी जो दूसरे लड़के हैं वो भी NCA में बाउंसी विकेट्स पे खेलते आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह भी जिस तरह हम लोग पहले जा रहे हैं तो तीन चार प्लेयर वही होता है जो सिचुएशन को अडॉप्ट करता है, तो जो तीन चार दिन प्रैक्टिस के मिलेंगे उसमें अडॉप्ट करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा। जी, ये जैसे PCB वाले टूर्नामेंट करा रहे हैं, ये जिस तरह सीरीज़ रख रहे हैं, जैसे श्रीलंका की सीरीज़ है और जैसे साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, इससे हमें काफ़ी हमारा मोराल अप होगा क्योंकि इस सीरीज़ से हमें कंडीशंस का भी पता चल जाएगा और प्लेयर्स का भी पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर किस कंडीशन में अडॉप्ट करता है अच्छी तरह। तो आगे वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका में, तो हमें इससे फ़ायदा होगा, इन सीरीज़ से काफ़ी फ़ायदा होगा। लेट आने की वजह तो ये कि एयरपोर्ट पे थोड़ा लेट हो गया, फ्लाइट थोड़ी लेट हुई, एक लेट आने की वजह ये है। और विकेट एज अ विकेट कीपर कैप्टन, क्योंकि विकेट कीपर को काफ़ी ग्राउंड के बारे में और बॉलर्स के बारे में सही नज़र आ रहा होता है, तो इसलिए मुझे कैप्टनसी करने में आसानी होती है क्योंकि जब विकेट के पीछे होता है बंदा तो सारा ग्राउंड सामने नज़र आ रहा होता है और फील्डर्स भी। तो जिस तरह श्रीलंका में कैप्टनसी की, और स्पेशली ये होता है कि बस अपनी टीम को अच्छा करना होता है, लेके चलना होता है, और इसी तरह मेरी यही कोशिश है कि साउथ अफ्रीका में भी इन प्लेयर्स के साथ मिल के चलूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। आई थिंक हमारी जिस तरह हमारे पास फास्ट बॉलर जिस तरह आते हैं, तो जाहिर बात है पाकिस्तान की शुरू से स्ट्रेंथ रही है और हमारे पास भी ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ है, और लेकिन जो स्पिनर्स और जो टीम में बैट्समैन है वो भी अच्छे हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ फास्ट बॉलर है, लेकिन बैट्समैन भी अभी जो दो तीन न्यू आए हैं वो भी अच्छे हैं, तो बैटिंग भी अच्छी है हमारी। जी बिल्कुल, जैसे शाहीन और हसनैन के साथ मैं भी खेला हूँ, शाहीन के साथ पिछला वर्ल्ड कप में खेला था, तो जाहिर बात है मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हमारे साथ का लड़का पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो और लड़कों को भी यही मोटिवेशन मेरे ख्याल से मिलती है कि हमारे साथ के, जिस तरह एशिया कप में हसनैन भी था, तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि हम लोगों में से ही आगे जा के खेलना है और पाकिस्तान को जिताना है, तो हम लोग उसी तरह तैयारी करके आते हैं और हमें यही मोटिवेशन है कि हम लोग भी उसी तरह खेलें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, तुम भी कप्तान भी हो, विकेट कीपर भी हो, दूसरी तरफ एक कप्तान विकेट कीपर सरफराज भी खेल रहा है, अगर तुम सरफराज की जगह होते तो क्या करते, कुछ कैसे देखते हो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस? आई थिंक मैं भी सरफराज की जगह होता तो इसी तरह ही, जिस तरह सरफराज भी कैप्टनसी कर रहे हैं। अब हार जीत तो पार्ट ऑफ गेम है, क्लोज मैच हुआ, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मिडल ऑर्डर थे वो जल्दी आउट हो गए, अगर वो ना आउट होते तो हम लोग जीत जाते, तो मैं भी उनकी जगह होता तो इस तरह की कैप्टनसी करता और बैटिंग और सब कुछ इसी तरह होता। अच्छा, एक बड़ा मैच है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का, आप जीतती सवाल फिर आदम भाई आप जीतती के जवाब, तो किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान टीम को और कितना होपफुल है पाकिस्तान? जैसे हमें एडवांटेज तो ज़रूर होगा क्योंकि हमने पिछली दफ़ा ICC चैम्पियन ट्रॉफी में फाइनल में इंडिया को हराया, तो हमारा मोराल अप है कि हम लोग पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी उनको हरा सकते हैं, और लेकिन इंडिया की टीम भी अच्छी है, नो डाउट उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं,
तो मुझे लगता है कि मुकाबला अच्छा होगा, ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा और वो विन कर जाएगा। जी मैं यही कहूँगा कि हमेशा से जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच रहा है, और बहुत बड़ा मैच होता है, उसमें अक्सर जो देखा गया है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वो लोग क्रिकेट मतलब मैच को सीरियस मैच की तरह लेकर खेलते हैं, हम थोड़े से चूँकि जज्बाती हैं तो हम जंग लड़ रहे होते हैं, तो जंग लड़ना और मैच खेलने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। हम अगर क्रिकेट को अच्छी तरह खेलें और उस डे पर्टिकुलर डे में हम बेस्ट क्रिकेट खेलें तो हम बड़ी आसानी से इंडिया को हरा सकते हैं।